पंजीयक कार्यालय बागली में पदस्थ अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार के कारण बागली तहसील मुख्यालय पर सर्विस प्रोवाइडरों ने सोमवार को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज किया है। सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्री लेखन तथा स्टाम्प विक्रय का कार्य उप पंजीयक कार्यालय बागली के अंतर्गत करते हैं। सभी सर्विस प्रोवाइडरों द्वारा बागली SDM शोभाराम सोलंकी एवं तहसीलदार विवेक सोनकर को एक ज्ञापन देते हुए बताया कि पंजीयक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से रजिस्ट्री के नाम पर रुपयों की मांग की जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ मैकर राहुल सैंधव द्वारा सर्विस प्रोवाइडरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। साथ ही मैकर द्वारा अधिकारियों के नाम पर अवैध रूप से पैसों की भी मांग की जाती है। साथ ही SDM सोलंकी के समक्ष बताया गया है कि उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ अधिकारी भी समय पर कार्यालय नहीं पहुँचते हैं, वो बाहर से अप डाउन करते हैं, जिसके कारण रजिस्ट्री के लिए आने वाले किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी सर्विस प्रोवाइडरों ने चेतावनी दी है कि यदि पंजीयन कार्यालय की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ एवं मेकर राहुल सैंधव को जब तक कार्यालय से नहीं हटाया जाता है, तब तक वो उप पंजीयक कार्यालय में किसी भी प्रकार से रजिस्ट्री के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आदरणीय श्री कुशलराव जी चौहान द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम सभी सर्विस प्रोवाइडर एक भी रजिस्ट्री नहीं करेंगे जब तक कि राहुल सिंधौर मेकर जो है उसका यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। तहसीलदार महोदय को क्या मामला है पूरा इसका? ये मामला ये है कि उप पंजीयक कार्यालय में अभी 3-4 रोज से एक मेकर आया राहुल सिंधौर करके, इनके द्वारा अभद्रता की जाती है और दस्तावेजों में कमियाँ बताई जाती है और उसके बाद परेशान किया जाता है और पैसे की मांग की जाती है। पैसे नहीं देना की दशा में रजिस्ट्री का पंजीयन नहीं किया जा रहा है और लाइसेंस रद्द कराने की धमकी दी जाती है कि हम तुम्हारा लाइसेंस निरस्त करवा देंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पे पैसे की लूट कर रहे हैं। क्या मांग की गई है आपके द्वारा? मेरे से मैंने अभी कुछ दस्तावेज पंजीयन कराए थे तो मेरे से दस्तावेजों में बहुत सारी चीज़ें कमियां निकाल रहे हैं। अधिकारियों से क्या मांग की गई है? अधिकारियों से मांग की गई कि इस मेकर को हटाया जाए। यदि नहीं हटा दे तो क्या रोक? नहीं हटाया तो हम आंदोलन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।